तो समय आयोग ने भले ही कम दिया लेकिन हमारी टीम की तैयारी, हम लोग ट्रायल भी दे दिया और लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। लगभग 450 ज़्यादा ही लड़कियाँ होगी, 450 से ज़्यादा लड़के भी 700 के अप्रोक्स होंगे, 700-800 लड़के हैं यहाँ पे। सुबह में प्रैक्टिस चलती है, फिर 3 बजे से भी प्रैक्टिस चल रही है और फिर अभी चल रही है, पर रात्रि लगभग 7, 7:30, 8 बज जाएगा। ये ज़रूर है कि गुरुजी के मार्गदर्शन में किसी को अगर कहीं जाके 2 महीने लग रहा है तो हम लोगों ने 15 दिन में जो पिछला टेस्ट हुआ तो बकायदे हम लोग सब टाइमिंग के अंदर थे, अप्रोक्स 80% स्टूडेंट। जो टीम है ये टीम ही नहीं रह गई, एक ब्रांड हो गया गुरुजी टीम। बिहार इंडिया के हर कोने से लगभग आपको लड़कियाँ मिलेगी, झारखंड हो, बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश जाएंगे। हाँ, डाइट में है जैसे थोड़ा सा जूस, जैसे मौसमी का भी सीज़न है, नारियल का अभी जैसे है, और कुछ मतलब वो जिससे मतलब कुछ मेडिसिन से जैसे कि कैल्शियम का हो गया, विटामिन्स हो गया, जो गुरुजी मतलब बताते हैं। हमको भी एक गर्व हो कि मैंने एक 2-3 जॉब छोड़ी है और इसीलिए जॉब छोड़ा कि क्योंकि हमें ना बड़ा नाम चाहिए ना बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। कैसे दौड़ा जाता है, क्या तीव्र गति से शुरू से ही स्टार्ट किया जाता है या धीरे धीरे स्टार्ट किया, कितने दिनों में फिर? मैम जैसे हम लोग शुरू में यहाँ पे आए तो हम लोग यहाँ पे मतलब स्लो रनिंग करवाया गया क्योंकि अभी पैर तो कभी मतलब इसको प्रैक्टिस था नहीं, तो लगभग 10 दिन से हम लोग 10-12 दिन से यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्लो रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका पैर जो होता है स्टेबल हो जाता है, और यदि स्टार्टिंग से हम लोग फास्ट रनिंग करते हैं तो फिर पैर डैमेज होने थोड़ा ज़्यादा। कितने देर तक? लगभग जैसे अभी हम लोग का चलता है, जैसे कल शाम में चला था, आधा घंटा स्लो रनिंग किए थे, आज सुबह में 1 घंटा हम लोग स्लो रनिंग किए हैं, और अभी जैसे थोड़ा सा फास्ट रनिंग कर रहे हैं मतलब, तो स्लो रनिंग थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम तो शुरू में प्रैक्टिस रोज करना ही चाहिए। और भी कोई एक्सरसाइज? यस मैम, एक्सरसाइज बहुत सारे हैं जो गुरुजी यहाँ पे करवाते हैं। कितने देर तक आप लोग करते हैं? लगभग 1 घंटा तो एक्सरसाइज कम से कम करवाते हैं गुरुजी, 1 घंटा रनिंग। सुबह में कितने देर तक? जैसे मैम सुबह में 5 बजे हम लोग आते हैं तो लगभग 9 बजे के आसपास फिर यहाँ से फ्री होकर चले जाते हैं। 4 घंटा? यस मैम। और शाम में? शाम में लगभग जैसे 3 बजे आज बुलाए हैं गुरुजी, तो 6 बजे तक, 6 बजे तक छोड़ देते हैं हम लोग को। यस मैम, तो हार्ड टाइम कम है बस, इसलिए थोड़ा सा सभी लोग को मैनेज करना पड़ रहा है। नहीं मैम, दवा नहीं ले रहे हैं, बस अपने ठीक मतलब खुद ही ये ठीक हो जाता है। डाइट वगैरह? हाँ, डाइट में है जैसे थोड़ा सा जूस, जैसे मौसमी का भी सीज़न है, नारियल का अभी जैसे है, और कुछ मतलब वो जिससे मतलब कुछ मेडिसिन से जैसे कि कैल्शियम का हो गया, विटामिन्स हो गया, जो गुरुजी मतलब बताते हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी 1 जून में संभावना जताई जा रही है कि फिजिकल का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, अब इतने कम समय में आप किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि फिजिकल जो भी होता है ना, सबसे पहला चीज़ कहा जाता है कि ग्राउंड का हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। तो समय आयोग ने भले ही कम दिया लेकिन हमारी टीम की तैयारी, हम लोग ट्रायल भी दे दिया और लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि मार्गदर्शक यदि सही हो ना तो कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। रणनीति सही होना चाहिए किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, तो हमारी रणनीति एकदम स्पष्ट थी और हमने इतने कम समय में लगभग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया। कुछ बच्चे हर दिन लगभग जुड़ते हैं और वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो ये पद है ना, जो बेल्ट की नौकरी बोला जाता है डिफेंस में, खासकर जो SI पद जो इन कंधों पर स्टार होता है, उसके लिए बच्चे इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद यदि वो फिजिकल में रियल में छटते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य होता है, क्योंकि एक यंग ब्लड यदि फिजिकल में छटता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, और यदि आप एक युवा है और आपके अंदर युवा पंती है तो कम से कम फिजिकल में तो नहीं छटना चाहिए। तो सभी भाइयों को पूरी टीम गुरुजी की ओर से एक बार पुनः ढेरों सारी शुभकामना बधाई है, और कहूँगा कि सही गाइडलाइंस में यदि वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, और कहा जाता है ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को यहाँ पर पहुँचने का मौका मिलता है, लेकिन वह अपने मम्मी पापा को गुरु मानकर, और बहुत सारे वीडियो आजकल तो होते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है कि वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक बात और पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे लड़कियाँ तो है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी वेट करने के लिए तो सब दौड़ता है, लेकिन उस समय उन्हें मोटिवेट करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, देखिए तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, बिल्कुल 100% सच्चाई है। दूसरा चीज, इन बच्चों में ये इतने मेच्योर हो चुके हैं, कहा जाता है कि जब अंदर से कोई भी इंसान हारता है, जब टूट जाता है, तो उसको जगाने के लिए उसके अंदर टूटी हुई आत्मा को, जो लगता है कि मेरे से लाइफ में कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, और मैं वो मार्गदर्शक इन लोगों का जो बहन है, इन लोगों का भाई बनकर मैं काम करता हूँ, और यही आप लोगों का प्यार है, इन लोगों का प्यार है और भाइयों का प्यार है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लड़के लड़की आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा लड़के लड़की यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं गांधी मैदान में, और ये आज से नहीं कर रहे, हर भर्ती में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। भीड़ का वजह यही है, उनको सही मार्गदर्शन देना और उनको मोटिवेट करना और हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुँच सके। लगभग 450 ज़्यादा ही लड़कियाँ होगी, 450 से ज़्यादा लड़के भी 700 के अप्रोक्स होंगे, 700-800 लड़के हैं यहाँ पे। सुबह में प्रैक्टिस चलती है, फिर 3 बजे से भी प्रैक्टिस चल रही है,
और फिर अभी चल रही है, रात्रि लगभग 7, 7:30, 8 बज जाएगा, प्रैक्टिस चलते रहता है। अभी ट्रेन करवा रहे हैं सबको? नहीं नहीं, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ SI का, हाँ पिछले बार भी रह चुका हूँ और इस बार भी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ गुरुजी के अकेडमी से। नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रेन होने की ज़रूरत है। एक्चुअली सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, एक साल गैप हो जाता है, बट ये ज़रूर है कि गुरुजी के मार्गदर्शन में किसी को अगर कहीं जाके 2 महीने लग रहा है, तो हम लोगों ने 15 दिन में जो पिछला टेस्ट हुआ तो बकायदे हम लोग सब टाइमिंग के अंदर थे, अप्रोक्स 80% स्टूडेंट। तो ये एक अच्छे ट्रेनर के अंदर क्या कॉन्फिडेंस ही बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो इनका कॉन्फिडेंस हम लोग में आया और सारे बच्चे करीब 80% हम लोग फिजिकल पास हैं। कितने जो पिछला बार का सिलेक्शन था, जो फाइनली सिलेक्शन था हमारी टीम का, वो 268 था, तो अप्रॉक्स 450 लड़के पिछला बार बच्चे कम थे। हर बार संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो क्योंकि ये जो टीम है, ये टीम ही नहीं रह गई, एक ब्रांड हो गया गुरुजी टीम। बिहार इंडिया के हर कोने से लगभग आपको लड़कियाँ मिलेगी, झारखंड हो, बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश जाएंगे, आगे और भी जितने सारे स्टेट से लड़की, बहुत सारे स्टेट से अनारा जगहों से लड़के भी यहाँ पर आते हैं, तो इंडिया के हर कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर तैयारी करने। तो हर साल ये बढ़ते जाता है, क्योंकि पिछली बार जो फाइनली सिलेक्शन जो हुई BPA राजगीर में हमारी टीम से, हम लोग रिकॉर्ड भी बनाते हैं, गिनीज बुक एक तैयार कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में मैं अपने बिहार सरकार को भी दिखा सकूँ, और हमको भी एक गर्व हो कि मैंने एक 2-3 जॉब छोड़ी है, और इसीलिए जॉब छोड़ा कि क्योंकि हमें न बड़ा नाम चाहिए, न बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, इसीलिए छोड़ के इन भाइयों की सेवा में आज यहाँ पर गांधी मैदान में उतरा हूँ। हाँ, अभी मैं SIRB में था, अभी वर्तमान में भी, अभी बीते दिनों, अभी मैंने 3-4 मंथ पहले मैं छोड़ के अभी आया हूँ। स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन में था, बिहार पुलिस का एक पद है, बिहार सरकार में रह चुका हूँ, BSF में भी, और जो कि मेरा बिहार पुलिस में फिर मेरा 5 तारीख को फिजिकल था इस बार, लेकिन एक बात अपने भाइयों के लिए तैयार किया, क्योंकि मैं सोचा कि चलो किसी घर का बेटा जाएगा गरीब घर के, क्योंकि हमको तो यहाँ पर और सारे नौजवान को तैयार करना है, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा तो हज़ारों नौजवानों को तैयार करके वहाँ पर भेज सकता हूँ। चलिए, क्या कहिएगा? नहीं, गुरुजी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी समर्पण भावना के साथ बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ठीक है, जो गुरुजी का जो टाइमिंग होता है हम लोग सभी लोग समय से चले आते हैं, और काफ़ी अच्छा है इनका। डंडे भी मारते हैं? हाँ, मतलब वो डंडा तो ज़रूरी है, बिना डंडा का तो सीखने में कभी कभी लग ही जाता है, लेकिन नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, कभी कभी वो भी एक गुरुजी का आशीर्वाद ही है डंडा, और कोई चोट बच्चों को डंडा ना मिले तो फिर आशीर्वाद, हाँ वो कोई चोट पहुँचाने के ख्याल से नहीं मारते हैं, उनका एक आशीर्वाद है और एक डायरेक्शन देने का उनका काम होता है। तो आपने सुना, हमारे साथ गुरुजी बने हुए थे, और जो भी स्टूडेंट हैं जो उनके साथ तैयारी कर रहे हैं, वो भी उन सभी लोगों ने अपने जो भी यहाँ फील्ड में आकर जो टाइम बिताए, वो सारी कुछ जानकारियाँ हमें दिए, और सबसे बड़ी बात ये रही कि कम समय है, फिजिकल की तैयारी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन थक हारने के बाद हर कोई का हिम्मत टूट भी जाता है, लेकिन वैसे में मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, और गुरुजी ने वो बताया कि हम लोग बच्चे को उस लेवल तक पहुंचा के ही दम छोड़ेंगे, और उस लेवल तक पहुंचाते हैं, और करीब करीब इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। गांधी मैदान का यह नज़ारा काफ़ी मतलब ही अद्भुत लग रहा है, यहाँ पर जो थोड़ा सा कैमरा घुमाए और ये पूरा नज़ारा जो दिखे, लड़की लड़के सब लोग यहाँ पर अपने भविष्य को आज यहाँ पे बैठ के जी जान लगा दे रहे हैं, अपने पसीने बहा रहे हैं इस फील्ड में। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, हमारी ये जानकारी, ये सिर्फ और सिर्फ अभी दरोगा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, और आप भी तैयार रहिए, मोटिवेट हम लोग आपको लगातार करते आ रहे हैं, और भी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो हम आपको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।